मित्रों तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो भारत की महत्वपूर्ण झीलों से आधारित वीडियो है। मैं कई सारे वीडियो आपको पहले दे चुका हूँ, ये अगला वीडियो झीलों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी जो है झीलों की जानकारी दी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक बच्चों बात कर रहे हैं झील की, डीडवाना झील। कौन सी है? डीडवाना झील की बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो है ना कैसी है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और कहाँ पड़ती है भैया? राजस्थान में पड़ती है। और राजस्थान में कहाँ पड़ती है? तो भैया नागौर जिले के निकट पड़ती है, ठीक है, नागौर जिले के निकट ये स्थित है। और भैया नागौर, नागौर याद आ चुका होगा भैया, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना सबसे पहले नागौर में ही तो लागू हुई थी, आपको ध्यान आ गया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, प्रधानमंत्री जी थे उस समय। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ये खारे पानी की झील है, तो यहाँ जो नमक होता है ना उसमें एक दिक्कत है, पता है? वैसे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, नॉर्मली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है नमक में, पानी जो यहाँ पे होता है ना सोडियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, यहाँ इसकी जगह पाया जाता है सोडियम, यहाँ पाया जाता है सोडियम सल्फेट। तो ध्यान रखेंगे भैया सोडियम सल्फेट जो होता है, तो इस कारण यहाँ पे जो नमक उत्पन्न होता है ना वो खाने लायक नमक नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका रासायनिक प्रयोग कर लेते हैं, प्रयोगशाला आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं, पर ध्यान रखेंगे खाने के लिए प्रयोग हम इसका नहीं कर सकते। तो बात कर रहे हैं डीडवाना झील की, तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल है रेणुका झील। कौन सी झील है? रेणुका झील की मैं अब बात कर रहा हूँ। और दोस्तों रेणुका झील कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? सिरमौर जिले में, सिरमौर जिले में पड़ती है दोस्तों रेणुका झील, ध्यान रखेंगे। और भैया ताजे पानी की झील है, कैसी है? ताजे पानी की झील है। और वैसे यहाँ पे जो ये जो झील है ना यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चिड़ियाघर भी है, चिड़ियाघर भी है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर आ चुका है हुसैन सागर नामक झील। हुसैन सागर नामक झील की दोस्तों बात कर रहे हैं, नाम से आप समझ चुके होंगे, है ना। कहां पर है भैया? हैदराबाद में पड़ती है, ये रहा हैदराबाद। और हैदराबाद की बात करेंगे तो भैया कहां पर? तेलंगाना, टी शॉर्ट में बना दिया है, माने तेलंगाना में हैदराबाद है, ठीक बात। तो ये भैया क्या है, यहाँ पर जो झील है ना यहाँ भैया महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध माने गौतम बुद्ध जी की एक प्रतिमा स्थापित है। और कैसी है? तांबे की है भैया, ध्यान रखेंगे। तो महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है, ठीक है ना। और ये जो है आपका ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका जो निर्माण माने जो झील है, इस झील का निर्माण जो किया गया था वो है इब्राहिम, किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और 1563 में, 1563 में ये किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात महात्मा बुद्ध की मूर्ति की करें तो ये भैया हुई थी 1992 में स्थापित हुई थी, 1992 में हुसैन सागर झील की मैं बात कर रहा हूँ। और भैया एक बात और बता दूं बढ़िया से, चलो उसको भी सुन लेते हैं। तो भैया जी ये जो हुसैन सागर नामक झील है ये जो है जोड़ने का काम करती है, क्या जोड़ने का काम करती है तो वो मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी बात है। तो ये जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद प्लस, ठीक है ना, सिकंदराबाद को जो है ना जोड़े रखने का काम करती है। तो ये बात ध्यान में रखना भैया कि हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत के जुड़वा नगर के रूप में जाने जाते हैं, ये इस झील की महत्वपूर्ण जानकारी। ओके आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे से दोस्तों अगला हम बता देते हैं सोंगमो, अगली झील आ चुकी है सोंगमो झील, सोंगमो झील पे हम लोग आ चुके हैं।
भैया कहाँ पड़ती है? गंगटोक में पड़ती है, गंगटोक। और जब बात गंगटोक की आ ही गई है तो आप समझ तो भैया गए होंगे कि कहाँ पर है, ये लो, नहीं समझ पाए तो ये लो, सिक्किम में भैया है गंगटोक, ठीक है। और भैया ताजे पानी की झील है, ठीक बात। और जब सिक्किम की बात आ गई है तो कोई जानकारी भी दे देता हूँ भैया, यहाँ पर नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भैया बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। तो अगली हम बात आपको बता ही दें कि सिक्किम में जो है ना भैया, यहाँ का राज्य पुष्प क्या है? ऑर्किड है भैया, ध्यान रखना। और ऑर्किड की बात करेंगे तो भैया आर्द्रता ग्राही पौधा है, आर्द्रता ग्राही पौधा है भैया, चिंता नहीं करियो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग लेटर हाथ में जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, सूरज ताल, अरे वाह बहुत अच्छी झील है भैया, इंपॉर्टेंट झीलें हम लेके आए हैं आपके लिए। सूरज ताल बहुत सुंदर। तो भैया सूरज ताल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भैया, ध्यान रखना। ताल शब्द जो है ना वो वहां की स्पेशली उत्तराखंड की झीलें होती है जिनके आगे ताल लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में है, तो मैं पहले वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूं, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये क्या है? बाड़ा लाचा दर्रे के निकट है। बाड़ा लाचा पास होता है, दर्रा होता है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं चलो याद करा देते हैं आपको। तो पहला तो है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। दूसरा क्या है भैया? सिपकीला दर्रा। और कौन सा है? बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ये तीन दर्रे हिमाचल प्रदेश के भैया भूलेंगे नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। कीठम झील, बहुत ही बढ़िया। कीठम झील भैया कहाँ पड़ती है? ये आपके पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? आगरा, वेरी गुड। और आगरा तो आपको पता ही है, अभी डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे अपनी धर्म पत्नी के साथ में, समझ रहे हैं ना, तो घूमने आए थे भारत में, ताजमहल देखा था उन्होंने, बहुत तो बढ़िया। आगे बढ़े, फुलहर झील, क्या बात है, ये आ गया सवाल बढ़िया वाला आपके एग्जाम के लिए। फुलहर झील भैया जी, तो ये पड़ती है फुलहर झील पीलीभीत जिले में। कहाँ पड़ती है भैया? पीलीभीत जिले में पड़ती है। और ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो ध्यान रखना मैदानी क्षेत्र से। और भैया हाँ एक बात बता दूं, यहाँ पे नदी निकलती है गोमती, बहुत सुंदर, फुलहर झील से भैया गोमती नदी निकलती है। और सवाल आपसे पूछा जाता है, एकमात्र नदी भारत की जिसका उद्गम कैसा? मैदानी क्षेत्र से है, ठीक है, तो प्रश्न क्या लगा दोगे? टिक भैया गोमती लगा देना। और जब बात गोमती की आ गई है तो भैया यूपी की राजधानी, नाम तो पता ही होगा, लखनऊ, और आपका क्या है? जौनपुर, ठीक है, ये भैया गोमती नदी के किनारे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रूपकुंड झील भैया, रूपकुंड झील, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट झील है। कहाँ पड़ती है भैया? ये पड़ती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो ताजे पानी की झील है। कैसी है? ताजे पानी की झील है। और भैया मध्य हिमालय की में इसकी स्थिति है, मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला है झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो भैया झीलों का नगर, बहुत सुंदर, झीलों का नगर कहते हैं उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर कहाँ पड़ता है भैया? राजस्थान में पड़ता है। और जब बात झीलों की आ गई हो तो भैया झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश, और बात झीलों के देश की कर लें तो यहाँ पे हम लोग ये भी कहते हैं कि जो है हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि। तो भैया आंसर आएगा फिनलैंड, क्या आंसर आएगा भैया? फिनलैंड आंसर आएगा, तो ध्यान रखेंगे हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। राजधानी क्या है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सूरज कुंड, सूरज कुंड कहाँ पड़ता है भैया?
सूरज कुंड पड़ता है हरियाणा में, और यहाँ भैया कुछ मेला भी लगता है, सूरज कुंड काफी चर्चा में रहता है। आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली झील का नाम है राजसमंद, राजसमंद झील भैया ध्यान में रखेंगे, उदयपुर में है। उदयपुर का मतलब भैया हो गया राजस्थान। और कैसी है? मीठे पानी की झील है, लो साहब मीठे पानी की झील हो गई। और सबसे बड़ी बात है पर्यटन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन माने घूमने के लिए। भैया आपका सिलेक्शन हो जाए जरूर जाएं, ठीक है ना, क्योंकि आप निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप से समझौता कर रहे हैं। और भैया एक बात बता दूं, आपकी गरीबी, तो आपकी गरीबी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, पूरा मेहनत से आप पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना हर हाल में आपको कामयाबी मिलनी है। कोई दुनिया की ताकत नहीं जब तुम्हें रोक पाए, सच मानिए, विश्वास मानिए, विश्वास बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगली झील आ रही है उस्मान सागर, उस्मान सागर ये भैया झील है, और कहां पर है तो भैया ये पड़ती है आपके हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद की जब बात आ गई तो भैया कहां है, तेलंगाना में पड़ती है। तो कैसी झील है भैया? ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम लेक है, कृत्रिम झील है, ये ध्यान में रखेंगे। और भैया ताजे पानी की झील है, कैसी है? ताजे पानी की झील है। चलिए साहब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली झील है दोस्तों नाको झील, नाको झील है, और दोस्तों पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों किन्नौर जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर जिले में स्थित है और ताजे पानी की झील है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बात कर रहे हैं नाको झील की। आगे बढ़ते हैं हिमायत सागर दोस्तों, हे मा यत, ठीक है ना, हिमायत सागर की हम बात कर रहे हैं, सागर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये कहां पड़ती है भैया? ये भी जो है हैदराबाद में है, हिमायत सागर जो है ये भी हैदराबाद में है, और बात हैदराबाद का मतलब है तेलंगाना में है, तो हैदराबाद से लगभग लगभग 20 किलोमीटर दूर इसकी स्थिति है हैदराबाद में, हिमायत सागर की बात कर रहे हैं। और भैया जी मानव निर्मित झील है, कैसी है? मानव निर्मित झील है, जरूरी जानकारी। और वैसे जो है नदी कौन सी है? मूसी नदी द्वारा निर्मित है, मूसी नदी द्वारा निर्मित है, हिमायत सागर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक बात। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला है पेरियार झील, पेरियार झील की हम बात कर रहे हैं, और जब पेरियार आपने पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से दिमाग में बात आ गई होगी कि पेरियार झील केरल से संबंधित है। और कैसी है भैया? कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, और ये जो है पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। तो पेरियार नाम की क्या है? नदी है, पेरियार नाम की नदी है, और इसी नदी से जल प्राप्त करती है पेरियार झील। और भैया एक बात बताऊं, संत पेरियार हुए थे, संत पेरियार केरल में हुए थे, समाज सुधारक के रूप में उनको जाना जाता है, ये वाली जानकारी भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग अंतिम झील की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगली झील, सॉरी मैं उसको क्लियर यहां से कर देता हूं, चैम्बर मबक्कम, चैम्बर मबक्कम दोस्तों झील है, और ये कहां पड़ती है? ये भी जो है पड़ती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की बात दोस्तों करेंगे तो कांचीपुरम, कांचीपुरम क्या जिला पड़ता है भैया? कांचीपुरम जिला। और जो है इस झील से जो है कौन सी? अडयार नदी निकलती है, ये जो झील है ना, ये वाली झील, यहां से अडयार नदी निकलती है, अडयार नदी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। और कैसा प्रयास रहा भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए और कैसे क्या बेहतर कर सकता हूँ प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूँ आप जो है सशक्त भारत के विकास में आपकी और हमारी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, आप जल्दी से सिलेक्ट हो, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू, जय हिंद। और भैया जाते 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 रुको रुको भैया रुको, मैंने आपके लिए बनाया है पता है क्या? फेसबुक पर एक पेज बनाया है, नाम क्या है? उत्कर्ष विजन। और भैया इस पेज पर मैं क्या करता हूँ भैया? लाइव आता हूँ, क्या आता हूँ? लाइव आता हूँ संडे को।
तो प्लीज आप इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको काफी लाभ मिलेगा, जिससे सामान्य अध्ययन आपका बेहतर अच्छा विषय बन जाए। ठीक बात, थैंक यू, जय हिंद।